score. इन दाई अफसोसनाक और बड़ी गर्वनाक सिचुएशन पैदा हो गई है जो मैं इस पर ज्यादा इस वक्त अभी बात नहीं करना चाहता कि क्या हुआ है, लेकिन अब मैं मुजफ्फराबाद के लोगों से अपील करता हूं कि जो तीन जो बातें जो तीन नोटिफिकेशन की डिमांड थी वो हो गए, उसमें डिले हुआ, क्या हुआ, ये लंबी एक कहानी है। लेकिन जो लोगों को प्रोवोक किया गया मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद जो है जो अभी मसाइल हल हुए हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने डायरेक्टली वो किया है, तो जब एनवायरमेंट इररिलेवेंट हुआ है तो फिर कुछ मसला हल हुआ था। लेकिन फिर जो यहां मुजफ्फराबाद में रेंजर्स अननेसेसरली ऐसे टाइम पे जब लोग बिल्कुल एंग्जियस है और हर दिन जो है क्रश करने की मिनिस्टर दो दो टके के वो सारे बयान दे रहे हैं, पूरा इश्तहाल देंगे, उसके बाद रेंजर्स को इस टाइम पे एंटर करना ये दाई गैर दानिशमंदाना फैसला था। लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि जो है खुदा के लिए पुरअमन रहे, किसी सूरत में अपने शहर के अमन को तबाह ना करें। ये बदबख्त के बच्चे जिनको लाशें चाहिए थी वो मुझे यदि अभी मैं जो है वो एक नौजवान के उधर की शहादत की वो मुझे खबर मिली है, अभी मुझे नहीं पता कि बाकी शहर में क्या हालात है। हम अभी जस्ट जो है वो यहाँ से मुजफ्फराबाद पहुंचना मुश्किल, इतना बड़ा मसला था। तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात थे जो रात को इस कमेटी ने एग्री किया उसके मुताबिक जो तीनों नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जो उसमें जो उसमें कोई जो बाकी मुतालबात भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पूरे होंगे। इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी अवामी एक्शन कमेटी का कोई रुकन भी लोग से एक तरफ सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने आगे ये जबरदस्ती जो इंसानी खून जो है वो ये पता नहीं कौन बदबख्त और वो बास्टर्ड थे जिनकी ये ख्वाहिश थी और जो वो पूरी हुई है। लेकिन अब इनके डिजायर्स को मजीद कामयाब ना करें किसी सूरत में जो है सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये वाकयात ना होते तो हमने सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त सेलिब्रेशन का टाइम था और उस टाइम पे इन्होंने जो है ये किया। खुदा के लिए सब लोग पुरअमन रहे, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि सारे हमारे रियासत भर के कश्मीरी भाई हमारे ये जानते हैं कि आज हमारा मुजफ्फराबाद की तरफ अपने हकूक के लिए लॉन्ग मार्च जारी और सारी है। अभी भी हमारा लॉन्ग मार्च जारी और सारी है। हुकूमत की तरफ से अभी जो एक नोटिफिकेशन आया उस हवाले से मैं वजात करता चलूँ, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक इसके हवाले से कोई अपना नोटिफिकेशन के देखने के बाद हम आपस में बैठेंगे फिर हम रद्दमत देंगे। बहुत सारे जो हमने देखा नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारे अबहाम हैं, वो अगर हुकूमत दूर करती है तो ठीक, नहीं तो हमारा मार्च हमारा एजाज जारी रहेगा। जो लोग सुनी सुनाई बातों पे वो चीज़ें देख के मीडिया पे देख के वापस जा रहे हैं, मेरी उनसे इल्तजा गुजारिश है कि हमारा मार्च ख़त्म नहीं हुआ, हम नोटिफिकेशन को एक्शन कमेटी देखेगी, अगर हमें कबूल हुआ नहीं तो हमारा मार्च हमारा एजाज जारी रहेगा। इसलिए सारे अहबाब जो पीछे रुके हैं जो मार्च की तरफ आ रहे थे उन सारों से मेरी अपील है कि वो मुजफ्फराबाद पहुँचे, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हम इकट्ठे होंगे, वहाँ पे हमारा सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ गाड़ियाँ पार करने की जगह भी है। तो सब अहबाब से गुजारिश है कि ये जो मार्च आ रहा है, जो जुलूस आ रहा है, जो इंफरादी तौर पर लोग आ रहे हैं, उन सारों से गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जमा हो जाए, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पहुँचे। अभी कोई हमने इस पर लाइमल नहीं दिया, कोई इस पर हमने इसको अपना रद्दमल नहीं दिया, इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोग यूनिवर्सिटी ग्राउंड पहुँचे। चुप चुप चुप।
मुनाफकों में ये जिन्होंने पथराव किया है मुनाफक को ये वो मुनाफकों में जिन्होंने अमन मैदान के बाद फायर किया है, ये देख सकते हैं आप, ये वो मुनाफकों में जिन्होंने पूरा अमन